हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये हल्दी लुक। इस लुक को आप कर सकते हैं अपने हल्दी फंक्शन में या मेहंदी फंक्शन पे, बहुत इजी है इस लुक को करना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी का सीज़न चल रहा है और शादी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। शादी दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत ही खास होती है। खास तौर से दुल्हन का तो भी अधिकार होता है अपनी हर एक रस्म रिवाज पर खूबसूरत दिखने का। तो आज आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ वो मॉइस्चराइज़र। ये मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र है। और गाइज, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासतौर से विंटर्स में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप मेकअप करते हैं या मेकअप नहीं भी करते हैं, तो भी मॉइस्चराइज़र को ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे आपकी स्किन पर जल्दी से फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम। इसकी हेल्प से मैं आज ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बहुत ही प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं वो गांव से भी हैं। तो उन्होंने बोला था कि दी आप ऐसा कुछ मेकअप लुक बताइए जो प्रोडक्ट्स हमें ईजिली लोकल मार्केट में भी मिल जाए और ऑनलाइन भी मिल जाए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप लैक्मे सीसी क्रीम से ही ये मेकअप कर दिखाइएगा। तो मैं आज ये इसी की हेल्प से मैं आज मेकअप लुक करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद मैं इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो ये लैक्मे सीसी क्रीम है अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप इस तरीके से भी अपने फाउंडेशन को, या लैक्मे सीसी क्रीम हो या बीबी क्रीम हो, तो आप इस तरीके से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इससे आपका जो मेकअप है और ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। और अब मैं अपनी आईज़ पर लगाने जा रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर, ताकि आपको जो भी मेरी आईज़ में डार्क सर्कल्स या इम्परफेक्शन नज़र आ रही है, वो अच्छे से मैं इससे हाइड कर लूँगी। और गाइस, बहुत अच्छा कलर करेक्टर भी है, ये कंसीलर भी है, 2-in-1 है। आप इसे दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी मुझे हल्के फुल्के डार्क स्पॉट हैं, वहाँ भी मैं इसे लगा लूँगी। और इसमें आपको आपकी स्किन टोन के हिसाब से भी अलग अलग शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा जो ओवर नज़र आ रहा है ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है, कुछ रेड सा दिख रहा है, तो वो नहीं दिखेगा अगर आप इस तरीके से लैक्मे सीसी क्रीम को ही थोड़ा सा मैंने लिया है और इसे उसी के ऊपर लगा लिया है। अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है गाइस, बहुत अच्छी ट्रिक है। और इस तरीके से भी आप अपनी आईज़ को और ज़्यादा ब्राइटन अप, ओपन अप दिखा सकते हैं, और जो भी आपकी पफिनेस भी होगी ना आईज़ के नीचे, वो भी गायब हो जाएगी इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो। अब मैं इसे मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, और अपने कंसीलर को भी इसी की हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। आप चाहें तो लूज़ पाउडर की हेल्प से भी इसे सेट कर सकते हैं, और आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो उसकी हेल्प से भी आप गाइज ये लुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मेरे पास है वही आप यूज़ करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके पास मौजूद हो घर में, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर रही हूँ। अपनी आईब्रोज़ को आप फिल करने से पहले इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लीजिए या सेट कर लीजिए, तब आप अपनी आईब्रोज़ को फिल कीजिए। इससे आपकी आईब्रोज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। अब मैं यहाँ पर म्यूज़िक फ्लेवर जेल आईलाइनर की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी ब्रो पोमेड या फिर कोई भी आईब्रोज फिलर नहीं है, या आपको मिल नहीं रहा है टाइम पर, तो आप इस तरीके से भी जेल आईलाइनर की हेल्प से भी अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। ये ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर है और ये वाटर प्रूफ है, स्पंज प्रूफ है, तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा इसकी हेल्प से। आपकी आईब्रोज भी काफ़ी देर तक सेट रहेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब कंसीलर लगा रही हूँ, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर से अपनी आईब्रोज को और ज़्यादा डिफाइन कर लूँगी, ताकि मेरी आईब्रोज जो है और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और आपके नैना जो है और ज़्यादा कचरारे लगे। तो इस तरीके से मैंने इस कंसीलर को अपनी आईलिड पर लगा लिया अच्छे से, और अब इस कंसीलर को भी मैं इस मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे मेरे आई शेडो में और आई शेडो भी खूबसूरत दिखे। तो इस तरीके से मैंने टेप लगा ली है, ये सेलो टेप ली है मैंने, और अब मैं ये हिलेरी रोहडा के पैलेट से ऑरेंज कलर का शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर इस तरीके से प्लेस करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन शेड है, आप इसे क्रीज लाइन पर इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं ये हुडा ब्यूटी के पैलेट से डार्क बरगंडी शेड ले रही हूँ, और इसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और आउटर वी पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ, ये शिमर आई शेडो पैलेट है। आपके पास जो भी ब्लैक आई शेडो हो वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से मैं आउटर वी पर इसे वहीं पर ब्लेंड करूँगी, आगे नहीं लेकर आऊँगी इस ब्लैक कलर के शेड को। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने आउटर वी पर लगा लिया है ब्लैक कलर का आई शेडो, और इसे वहीं पर मैं जस्ट हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी।
सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इनर कॉर्नर्स में कंसीलर लगा लूँगी ताकि जो मैं शिमर आई शेडो अप्लाई करूँ वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इस तरीके से एक स्मॉल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ तो मैंने ये इनर कॉर्नर्स में लगा लिया है, ये देखिए। अब मैं ये मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, एक फ्लैट स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और इसी के ऊपर मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर का शेड पिक करूँगी और इसे लगा लूँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है उसी के जस्ट ऊपर लगाना है आपने। और हल्का सा मैं इसे ब्लेंड भी कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे इसमें और अच्छे से मिक्स हो जाए ये। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर, आपके पास जो भी आईलाइनर हो वो आप लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ, आपको अगर विंग्ड आईलाइनर नहीं लगाना आता है तो आप नॉर्मल आईलाइनर भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, आप चाहें तो फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं फॉल्स लैशेस लगाने में तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं क्योंकि फॉल्स लैशेस को लगाने में गाइस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक दो बार वैसे आप लगाएंगे तो आपको ईजिली लगाना आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो शेयर की हुई है ऑलरेडी, तो आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी वीडियोज़। तो यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा अपनी फॉल्स लगा ली हैं। अब मैं ये वाइट पैटर्न वाइल्ड कलर की कोहल पेंसिल ले रही हूँ ताकि मेरी आइज़ जो है और ज़्यादा ओपन अप दिखे और बड़ी दिखे। तो ये देखिए इस तरीके से काजल लगा लिया है मैंने, वाइट काजल लगाया है, आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लैक काजल जो आता है वो भी लगा सकते हो। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहती थी इस लुक को तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है वाइट काजल। अब मैं सेम आई शेडो नीचे की तरफ लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पर, एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ मैं इसे और बरगंडी कलर का शेड अप्लाई करूँगी अब मैं। और अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। और अब मैं इस स्विस ब्यूटी के पैलेट से ब्लश लगा लूँगी और ये मैं डार्क पिंक कलर का ब्लश लगा रही हूँ। तो ये ब्लश पैलेट भी काफ़ी अच्छा है, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है तो आप प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर है। और गाइस इस मेकअप लुक को आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर को लगा लिया, अपनी ब्रो बोन पर लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिपस्टिक और सबसे पहले मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी। और अब मैं ये लगा रही हूँ किस ब्यूटी की मरून कलर की लिपस्टिक है ये, और येलो के साथ तो मैरून और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये रेड कलर। आप वैसे तो ये डार्क मैरून कलर है, हो सकता है आपको कैमरा पे थोड़ा रेड नज़र आए, ये थोड़ा चेंज नज़र आए। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, आप अपने अकॉर्डिंगली भी अपनी जो भी आपके पास ज्वेलरीज हो वो आप वेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। गाइज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हाँ मैं टिकटॉक पर भी एक्टिव हूँ तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।